देखो यार, बात करेंगे महिंद्रा के ऊपर। महिंद्रा की एक सीरीज है एक्सयूवी वाली। एक्सयूवी में सबसे पहले आ जाती है 300, उससे ऊपर ले लें तो भैया हाल ही में जो आई है एक्सयूवी 400 इलेक्ट्रिक में, उससे ऊपर लेंगे तो 500 जो कि पहले राज कर चुकी है, और उससे ऊपर लेंगे एक्सयूवी 700। लेकिन उसकी बात भी नहीं कर रहे हम करेंगे एक्सयूवी 800 जो कि इलेक्ट्रिक में आने वाली है। बेसिकली पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो 700 के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर दी गई हैं, और वो क्या कर रही हैं उसी के बारे में बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, कुछ लीक सामने आए हैं, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। क्या देख रहे हो मेरे को? नहीं, मेरे को देखना है, बिना देखे वीडियो को पता नहीं चलेगा यार, जाना मत कहीं भी, बुरा मान जाते हो आप जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा था कि भैया इसका जो है एक साल पहले जो है कंसेप्ट निकला था एक्सयूवी 800 इलेक्ट्रिक के ऊपर, काफ़ी बंदों ने वीडियोस भी बनाई थी, और कंसेप्ट में कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता है, कुछ चीज़ें जो है हवा में तीर मारे होते हैं कंपनी वालों ने, और कुछ चीज़ें जो हैं वाकई जो ओरिजिनल गाड़ी होती है उसमें दी जाती हैं। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि कंसेप्ट में दी थी, और वही चीज़ें जो है ओरिजिनल गाड़ी में भी आपको आएंगी, क्योंकि कंसेप्ट में लगभग आपको 50-60-70% जो होता है वो हवाबाजी यार, मतलब एमए दे दिया होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब लीक्स जो इसकी पिक्चरें हुई हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मतलब ये पिक्चर और जो इसके कंसेप्ट थे कुछ मतलब डिफरेंट तो नहीं है भैया, मेरे हिसाब से कुछ डिफरेंट नहीं है, लगभग सारी सेम है। एक्सयूवी 700 के ऊपर बेस है जैसे कि आपको मैंने बताया भी है। और दूसरी बात करें भैया इसमें आपको क्या वो चीज़ें मिलती हैं जो कि कंसेप्ट में भी थी, तो पहली बात जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना कतई टाटा वालों की नकल कर रहे हो तो महिंद्रा वालों, मतलब कि टू स्पोक वाला स्टीयरिंग इसमें भी डाल दिया गया, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है उससे, लेकिन सेम कह सकते हैं हम एक तरह का। तो ये चीज़ चलो अच्छी है, दोनों भाई भाई, भारत की कंपनी है, दोनों भाई भाई हैं आपस में, तो इतना तो बनता है यार। और दूसरी बात, इसमें जो डिस्प्ले थी पहले इतनी थी, अब कहने का मतलब है भैया पूरी ऐसी पट्टी सी लगा दिया आगे, एक तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फिर मेन डिस्प्ले आ जाती है, फिर एक भैया को पैसेंजर के लिए दे दी। क्यों भैया, आपको को पैसेंजर के लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब सेंटीमेंट नहीं जुड़े हैं उसके साथ आपके? मतलब ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए डिस्प्ले दे दी है भैया, अगर मान लो मैंने आगे बच्चा बैठा दिया ना, तो वो भैया पूरे टाइम पूरे रास्ते में उस डिस्प्ले को ऐसे ऐसे करता रहेगा, और हो सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते मंजिल तक वो ख़राब भी कर दे उसको। चलो ठीक है, अच्छी बात है यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, देखना सीरियस लेते इस बात को कि बोलोगे भैया इतनी अच्छी चीज़ दे दी, ऊपर से आप इसका मतलब विरोध कर रहे हो, विरोध नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया डिस्प्ले दी है, मतलब एक बिल्कुल ही ऐसे लग्जरियस वेरियंट में कोई बंदा बैठ भी जाए तो भैया बोलेगा वाह यार क्या गाड़ी दे दी, मज़ा आ गया, वाह 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 क्या बात। इसके पावर की बात करते हैं थोड़ी, नॉर्मल जो एक्सयूवी 700 आती है ना उसमें आपको लगभग 198 BHP के पावर मिलती है, लगभग 200 समझ लो, 200 BHP के पावर मिलती है, ठीक है, उसके जो पेट्रोल वेरिएंट है। इलेक्ट्रिक वर्जन की बात करूँ तो इसमें आपको पता है थोड़ी सी पावर अप हो जाती है, मतलब इसमें आप लगा लो मोटा मोटा हिसाब 250 के करीब इसमें आपको पावर मिल सकती है, हॉर्स पावर मिल सकती है। लेकिन भैया ये हम अपना एस्टिमेट लगा रहे हैं, फिर आप नीचे कमेंट करते हो कि भैया आपको नॉलेज वॉलेज है नहीं, तो इससे अच्छा आप पहले स्कूल में स्टडी करो उसके बाद वीडियो बनाओ, तो भैया माफ़ी चाहते हैं यार, कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं गलती से, तो आप इतना सीरियस मत लिया करो उसको। मेन चीज़ करते हैं, मेन चीज़ तो इसके प्राइस के बारे में भी है भैया, इसका प्राइस कितना होगा? तो देखो मोटा मोटा एस्टिमेट लगाया जा रहा है लगभग 30-35 लाख के करीब, मोटा मोटा मतलब 30-35 बीच में हम हो सकता है, इतना प्राइस भी हो सकता है, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें आपको पता है महंगी होती हैं, हो सकता है इसके ऊपर हो, और ये 30-35 जो है ऑन रोड नहीं है, ई एक शोरूम प्राइस है इसका, बता रहा हूँ जो मैं, ऑन रोड तो इससे भी ज़्यादा चले जाएगा। तो और क्या क्या फीचर इसमें मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक वाले वर्जन में? तो भैया इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, एम्बेड लाइट जैसे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे, सारा मतलब कि कहीं पर शायद आपको मैनुअल कम ही देखने को मिले, सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक ही देखने मिले, और बस यही चीज़ें तो होती है लग्जरियस में, और क्या होता है, एक तो प्राइस इसका हाई हो जाएगा, दूसरा इसकी पावर बढ़ जाएगी, तीसरा इसकी बैटरी, बैटरी के बारे में बताते हैं भैया आपको।
बैटरी के बारे में इतना खास पता नहीं है क्योंकि अभी तक शो नहीं ना करा कहीं पे भी, तो हम एस्टिमेट भी नहीं लगाएंगे। छोड़ दो इस बात को छोड़ दो, रेंज भी छोड़ दो, हम कोई हिसाब नहीं लगाएंगे कि इसकी इतनी रेंज हो सकती है या इसकी इतनी रेंज हो सकती है। वो जब गाड़ी आएगी तभी देखेंगे। ऐसा क्यों यार फालतू में आपको गलत चीज़ के ऊपर मतलब ऐसे बताना, फिर आप बोलोगे कि राहुल भाई आप गलत थे, इसका तो ये एस्टिमेट आपका गलत निकला है ना। तो बस यही था यार वीडियो में, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतनी सी बात है, बाकी बाकी देख लो यार गाड़ी तुम, और क्या चाहिए तुम्हें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।